देश में बारिश और बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है मणिपुर का, जहां भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं, पुल और घर तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और बंगाल में भी हाल बेहाल है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बर्बादी की इस फहरिस्त में अब सुदूर पूरब का मणिपुर भी जुड़ गया है। गौर से देखिए मणिपुर के थौबल जिले के इस पुल को, जो नदी के प्रचंड प्रवाह को नहीं सह सका और तिनके की तरह टूट गया। सहमे लोग इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। अब मणिपुर से आई इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। चकपी नदी के वेग के सामने इसकी मकान की ताकत भी कम पड़ गई। देखते ही देखते नदी अपने साथ इस दो मंजिला इमारत को भी लेती गई। हम आपको ये भी बता दें कि मणिपुर के चंदेल जिले के खेंजॉय में भूस्खलन की वजह से 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा भी जल प्रलय से त्राहिमाम है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की इन चार तस्वीरों को देखिए। यकीन हो जाएगा, अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो बाढ़ का पानी मुसीबत बना हुआ है। उत्तराखंड में धनगढ़ी नाले में अचानक आई पानी की तेज धारा ने जिम कॉर्बेट के पास मुसाफिरों से भरी पूरी बस को पलट दिया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी एक बस तारकेश्वर नदी में फंस गई। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। बारिश और बाढ़ से गुजरात में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बंगाल में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। मॉनसून के तांडव में यह तादाद न जाने और कितनी बढ़ेगी। आज तक